और एक एक वजह जो बनती है वो है ईगो, यानी तकब्बुर। इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि उसके सामने सब लोग छोटे दिखते हैं, सब चीज़ें छोटी दिखती हैं। वो तकब्बुर की कैफियत में ऐसे आ जाता है कि वो इंसान अपने आप को ही बड़ा समझता है, दूसरों को नहीं। जब ये आ जाती है तो ये एक ऐसी बर्बादी का रास्ता है जिसको उसने चुना है, जो आप उस शख्स को बर्बादी के मंजिल पर लेकर जाएगी। तकब्बुर ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ेबा देता है। ये कोई इंसान को तकब्बुर ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि इंसान की औकात तकब्बुर करने लायक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत ही कमज़ोर बनाया। हम देखते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी कौमें, ऐसे ताकतवर कौमें गुजर गई, तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक किस्म का तकब्बुर था। हम जानते हैं फिरौन ने ऐसी तकब्बुराना जुमले को अदा किया कि उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारा रब आला हूं, जबकि ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ज़ेबा देती है। उसने ये अल्फाज, जो नेगेटिव, सबसे एक्सट्रीम लेवल की जो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकता था, उसने किया। और हम जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ, उसकी मंजिल क्या हुई, उसके साथ क्या हादसा हुआ। उसकी बर्बादी का सबब उसका तकब्बुर बना। तो हमें चाहिए कि हम अगर पॉजिटिव लिविंग जीना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम तकब्बुर ना करें, अपने आप को हम्बल रखें, अपने आप को तवाज़ो में रखें, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा रखें। जो इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान को तकब्बुर है वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि इतनी अहम बुराई है ये, कि हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये और एक सबब बनता है हमारी पॉजिटिव लिविंग को डिस्ट्रॉय करने का या तोड़ने का। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।